सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते सारे मसाइल हल हो जाते। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता ताड़न समेत दीगर वुज़रा पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों का बड़ा वफ्द भी इनके हमराह है। अदालतों को इदराक होना चाहिए कि साइफर एक हकीकत है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस का फैसला आने के बाद कानूनी उमूर के लिए हुकूमती तर्जमान बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि साइफर अपीलों का तफसीली फैसला आएगा तो देखा जाएगा, फैसला पढ़ने के बाद तय होगा कि अपीले में जाना है या नहीं। साइफर की डी क्लासीफाइड तमाम कॉपियां वजारत खारजा को वापस मौसूल हो गई। चेयरमैन सैनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने साइफर की डी क्लासीफाइड कॉपियां दफ्तर खारजा को वापस कर दी। पीटीआई हुकूमत में साइफर कॉपियां चीफ जस्टिस स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सैनेट ऑफिस को अरसाल की गई थी। जराये के मुताबिक साइफर की डी क्लासीफाइड कॉपियां स्पीकर और चेयरमैन सैनेट ऑफिस से वापस दफ्तर खारजा जमा करवाई गई थी। पानी पीटीआई से मुतल्लिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते, इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानून के तहत फैसले करेंगी।